बस ओके वही ठीक है। ऑलमोस्ट है, तो खत्म हो गया चैप्टर ये सब। अब एक काम करते हैं, मतलब इसका जो मेजर पोर्शन था ना, यस सर। मतलब जो 98% चैप्टर हमारा खत्म हो गया, एक आध छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए तो उसको भी यहीं रोक देते हैं। अभी जो तुम्हारा स्कूलों को भी होगा आगे तो भी हाथ करा देंगे, बाकी तो अब तो कर लीजिए अपने सारा कुछ तो। सर पढ़ाई दो फिर वो छोटा, अगर सर चलो पढ़ाई दो सर, खत्म चलो ठीक कराओ। है। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब वो सब वैसे टॉपिक से अलग अलग से कर लेंगे भी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस सर। हम जानते हैं पीवी इजिकल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। इफ द जेड इजिकल टू पीवी बाई एनआरटी, जेड को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब कोई गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती थी उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, कम किया हुआ है ना। आइडियल रियल गैस में तो फर्क हो जाता है ना, कि गैस ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया तो आइडियल बन जाती है, अगर यस सर। वॉल्यूम कम कर पाएगी तो वो रियल बन जाती है। तो हाँ सर। मतलब कोई कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो गई या कम हो गई उसी हिसाब से डिफ्यूजन हो जाता है। सर रियल गैस वो प्रेशर ज्यादा लगाती है ना। अगर रियल गैस वो होती है कि रियल गैस वो होती है जो डिविजन शो करती है आइडियल बिहेवियर से, सर तो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करती है या क्या मतलब। मतलब अगर मान के चलो प्रेशर हमारा कम से कम हो और वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो तो हर गैस हमारी होती है वो आइडियल हो जाती है। आइडियल गैस। यस सर। अगर रियल गैस है तो वो डिविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से, या तो पॉजिटिव डिविएशन होगा या नेगेटिव डिविएशन होगा। यस सर। या तो पॉजिटिव डिविएशन होगा या फिर नेगेटिव डिविएशन होगा। पॉजिटिव डिविजन ऐसा होता है जो हमें बनाया था हमने, सॉरी जैसे पी वर्सेस पीवी, ये तो हो गया आइडियल बिहेवियर, हाँ सर। ये पॉजिटिव डिविजन हो गया, ये नेगेटिव डिविजन, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव में आ गए, ये आइडियल बिहेवियर, ये पॉजिटिव डिविजन, नेगेटिव डिविजन। तो यस सर। गैसेस के तो पॉजिटिव डिविजन हो रहा है या नेगेटिव डिविजन हो रहा है जो रियल गैस है। ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर आ गए। तो रियल गैस क्या होती है, जो डिविजन शो करती है। और सर हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर भी जरूरी है। हाई टेम्परेचर इसलिए हो जाता है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ताकि जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इतना बढ़ जाए कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल हो जाए। मतलब सर हाई टेम्परेचर इसलिए ना वो गैस ही रहे पूरे लिक्विफाइड में। अगर पास आ गए मॉलिक्यूल वॉल्यूम को, तो मॉलिक्यूल पास आएंगे उनकी भी जो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आइडियल बिहेवियर से दूर हो जाएंगे वो। यस सर। ठीक है। आप ये निकालो जरा, अपनी बुक है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी है? हाँ सर है, 1 मिनट निकाल लेते। हाँ चुप निकालो।
यस सर, क्या निकालना? आपने ये निकाल लिया वैन डेर वाल इक्वेशन, वो निकालना है क्या उसमें बुक में? हाँ बुक में, एंड वैन डेर वाल इक्वेशन। हाँ सर निकाल लिया। उसके नीचे जा देखो लिखा है द डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। हाँ सर, हाँ सर दिख गया। पढ़ो क्या लिखा हुआ उसके अंदर। The deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, which is the ratio of product of PV and NRT. Mathematically, Z is ये दिख गया। उसके नीचे देखो एक मोटी मोटी लिखा है 10 गैसेस जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। हाँ सर, थोड़ा क्या लिखा है? The gases show ideal behavior when the volume occupied is large so that the volume of molecules can be neglected in comparison to it. और आगे पढ़ो। The behavior of the gas becomes more ideal. In other words, the behavior of the gas becomes more ideal. The behavior of the gas becomes more ideal when pressure is low. हाँ, ठीक है? Yes sir. ये बात समझ आई? उसके आगे पढ़ो। Up to what pressure? Up to what pressure the gas will follow the ideal gas law depends upon the nature of the gas. At its temperature. At temperature. अभी आप टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना? यस सर। अब आगे टेम्परेचर बढ़ो, क्या लिखा है? टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। बॉयल पॉइंट। बॉयल पॉइंट ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। सर टेम्परेचर अगर हम नहीं छेड़े सिर्फ प्रेशर के साथ करें तो सर टेम्परेचर फैक्टर हम हटा सकते हैं? हाँ, प्रेशर बिल्कुल जीरो कर दो। पहले इस बात को समझ लो उसका मतलब क्या हुआ, फिर आपको पढ़ समझ में आएगा। हमने बोला वाला समझा दो, ये बॉयल वाले का पढ़ो, पढ़ समझाता हूँ आपको, इसलिए पढ़ने की बोला आपको, पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू एन आर टी, अगर जेड वन हो गया, इफ जेड इज इक्वल टू वन, इसको क्या बोलेंगे? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल बिहेवियर। If Z is equal to greater than 1, इसका मतलब क्या हुआ? Sir, PV is greater than NRT. मतलब वॉल्यूम ज्यादा है जितना होना चाहिए था? सर PV बड़ा है उससे। मतलब मान के चलो अगर PV कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ज्यादा है? P कांस्टेंट है, हाँ सर वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मीन्स गैस इज less compressible, compressible as expected from ideal behavior, या दूसरे वर्ड में कहते हैं P is more than as expected from ideal behavior. सर अगर हम वो, हाँ यस सर ठीक है समझ लिया। या तो कह सकते हैं वॉल्यूम कम, वॉल्यूम उसका ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। सर मैं समझा नहीं, जैसे मैं ये समझ गया हमने जेड इज ग्रेटर देन वन लिया तो अगर हमने प्रेशर फिक्स रख लिया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो उससे सर ये आपने क्या निकाला मतलब समझा नहीं। मैंने कहा सिर्फ समझने के लिए खाली कि क्या फर्क हुआ इसमें, अगर ये इसका मतलब ये हुआ प्रेशर उतना ही है जितना आइडियल बिहेवियर के लिए होना चाहिए। यस सर। इसमें क्या हो रहा है अगर ग्रेटर देन वन तो प्रेशर इज मोर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर? नहीं सर अगर हम प्रेशर अगर ले लें फिक्स जैसा आपने बोला, अगर मानो प्रेशर फिक्स भी ले लिया उस प्रेशर के कारण वॉल्यूम इज मोर, सर वॉल्यूम मोर होती है तो फिर फेवरेबल है ना, लेस कंप्रेसिबल, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से देखें तो ये लेस कंप्रेसिबल, जो आइडियल बिहेवियर कंप्रेसिबल होना चाहिए था उसे कम कंप्रेसिबल है ये। अच्छा, अगर जेड इज लेस देन वन मोर कम है हो जाएगी, जितना होने से ज्यादा कंप्रेस हो गई है तो सर मोर कंप्रेसिबल हो गई ना, मोर कंप्रेसिबल जितनी होनी चाहिए ज्यादा कंप्रेसिबल हो गई।
अभी दोबारा से पढ़ो उस बात को. द बिहेवियर ऑफ द गैस बिकम्स मोर आइडियल व्हेन द प्रेशर इज वेरी लो. प्रेशर बहुत कम होगा, ये चीज अगर बहुत कम होगी तो इट विल बिहेव आइडियली. प्रेशर लो, वॉल्यूम ज्यादा और हाई टेम्परेचर, तीन है ना सर. नेचर ऑफ गैस एंड इट्स टेम्परेचर. द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबेस आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बोल्स टेम्परेचर और बोल्स पॉइंट. बोल्स पॉइंट क्या हो गया? द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस स्टार्ट बिहेविंग आइडियली. प्रेशर कुछ भी हो तो रहे जो प्रेशर कुछ भी हो वो आइडियल बिहेव करती रहेगी. वो तो प्रेशर कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, हम बस टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपना चेंज होता रहेगा. हाँ सर, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा. और उससे पहले पढ़ा था ना अपने, जब वॉल्यूम ऑफ द गैस इससे पहले मोटे टाइम में जो पढ़ा था हमने, मोटे वर्ड से पढ़ा था हमने. यस सर. द गैस सोर्स एट द वॉल्यूम व्हेन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड सो लार्ज दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट. तो टेम्परेचर अगर वैसा आ गया तो कुछ भी प्रेशर होगा इट विल फॉलो द आइडियल बिहेवियर. नहीं सर, तो जैसे अगर मैं छोटे सा एक डिब्बा ले लूं बहुत, उसमें गैस डाल दूं और उसको हीट करके बॉयल टेम्परेचर बॉयल पॉइंट. अगर डिब्बा को खुला हुआ है? नहीं सर, बंद है. बंद है तो कभी आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगी. हाँ सर, तो वो फर्क क्या पड़ेगा? वॉल्यूम उतना ही रह जाएगा. तो वॉल्यूम तो अभी सेट करोगे ना, वॉल्यूम 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 गैस को डिसाइड कर रहे हो कितना चाहिए उसको. अच्छा, वरना तो वॉल्यूम आप डिसाइड कर रहे हो ना. यस सर. हाँ, अभी इसमें लिखा है द टेम्परेचर एट विच a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called the boiling temperature or boiling point. Boiling point of the gas depends upon the its nature. Har gas ke liye alag boiling point hai. Above their boiling point, real gases show a positive deviation from ideality, and yet values are greater than one. मतलब positive कब होगा? जब z is greater than one. Yes sir. सर ये अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर क्या है? एक मिनट, फोन आ रहा है, अभी देखता हूँ. हेलो हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा. हाँ, क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा था ये बॉयल्स टेम्परेचर में हमने लिखा ना अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर. अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर मतलब अगर हमारा बॉयल पॉइंट आ गया, गैस आइडियली बिहेव करने लगी, प्रेशर आपका था समझो तब 5 atm, तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, उसी रेंज में ये आइडियली बिहेव करती रहेगी. ये नहीं आप 700 कर दो. अप्रिशिएबल मतलब उसी रेंज में, ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रेशर ऊपर नीचे होगा, नहीं गैस आइडियली बिहेव करती रहेगी. मतलब सर जो ये एटमॉस्फेयर के आसपास. हाँ, मतलब जो भी प्रेशर होगा उसे थोड़ा ऊपर नीचे करके इट विल स्टार्ट बिहेविंग आइडियली. अप्रिशिएबल का मतलब उसी रेंज में ऑलमोस्ट जिसमें है वो उस कंटेनर या उस जगह. हाँ, ये नहीं अचानक प्रेशर सोखना बढ़ा दो वो अप्रिशिएबल नहीं रहा. बड़ा थोड़ा प्रेशर ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा काम, ये आइडियली बिहेव करती रहेगी बोल टेम्परेचर के पर. ओके सर, ये लिखा पॉजिटिवेशन मतलब जेड ग्रेटर देन 1, जेड वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल. अगर जेड ग्रेटर देन 1 हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल. फीबल मैंने लेस, समझ आया ना बात? यस सर. बिलो बोल्स टेम्परेचर रियल गैसेस फॉर सोर डिग्रीज इन जेड विद इंक्रीज प्रेशर. Which is minimum value
On further increasing pressure, the value jet increases continuously. Above expression shows that at low temperature and high pressure, gas show ideal behavior. ठीक है? Above explanation show that at low temperature and high temperature, gas show ideal behavior. This condition different from four different gases. ठीक है? ये बस समझ गए? सर ये प्रेशर वाली फिर से बता दो, ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर। ये फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होते चले जाएगा। हाँ यस सर, वॉल्यूम कम होते जाएगा तो जेट कम होते जाएगा, जेट कम होते जाएगा तो नेगेटिवेशन होता रहेगा, ये ऐसा आता रहेगा, नेगेटिवेशन होता रहेगा। उसके बाद और प्रेशर बढ़ा दिया आपने, अब ये नंबर बढ़ता गया तो ये पॉजिटिवेशन पे चल पड़ेगा ये। अच्छा तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ फिर बढ़ता जाएगा ना ये, समझा? यस सर। एक लिमिट के बाद कंप्रेस नहीं कर सकते गैस को आप, मतलब गैस का एक लिमिट के बाद प्रेशर और कंप्रेस नहीं कर सकते, वो गैस उतनी रह जाएगी, फिर वो फिर प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। अच्छा मतलब कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, वो गैस नहीं रहेगी, फिर वो गैस रहेगी, एक लिमिट को नहीं पास आते, वो रिपल्सिव फोर्स इतने बढ़ जाते हैं फिर पास नहीं आते वो, गैस प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम नहीं होगा फिर एक लिमिट के बाद। सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा एक लिमिट के बाद, जब आप गैस को कंप्रेस करते हो प्रेशर लगाकर आफ्टर ए पर्टिकुलर लिमिट, फिर गैस कंप्रेस नहीं होती फर्दर, उसके वॉल्यूम उतना रह जाता है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी ना सर फिर। हाँ फिर नहीं बढ़ेगी, फिर क्या होगा, पी बढ़ता जाएगा, तो पी भी बढ़ जाएगा, फिर ये ग्राफ जैसे यहां से आकर फिर पॉजिटिव होने चालू हो जाता है, बस यही। तो सर ये जो कंप्रेसिबिलिटी जो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं ये बढ़ जाएगा? हाँ ये बढ़ जाएगा, पहले कम होगा फिर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते। अच्छा ठीक है, हमने पढ़ा जेट लिक्विडिफाई हो जाएगी ना सर जब मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं, हम वो चीज अलग है, लिक्विफिकेशन के टेंपरेचर भी चाहिए उस तरह का। अच्छा सिर्फ उससे नहीं, खाली प्रेशर वॉल्यूम से, खाली प्रेशर लगाने से गैस लिक्विफाई नहीं होगी। हाँ सर वो हीट और हो जाएगी। हाँ वो और वो दूसरी चीज हो जाएगी। तो जेट इज इक्वल टू पी वी रियल अपॉन एनआरटी, और हम जानते हैं पी वी आइडियल जो होता है इजिकल टू एन आर टी, तो वी आइडियल क्या हो गया, एन आर टी बाई पी सर, पी आइडियल, हाँ वी आइडियल नहीं सर, पी प्रेशर क्या होगा, अभी हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, खाली वी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है कंप्रेसिबिलिटी पे क्या हो रहा है, या तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम कम हो रहा है। यस सर, तो वॉल्यूम बात करें, वी आइडियल क्या हो गया, एन आर टी बाई पी, अगर सेम प्रेशर है तो। हाँ सर, तो जेड क्या हो गया, एन आर टी पी पाई यहां लगा दें तो ये क्या बन गया हमारा, वी रियल अपॉन वी आइडियल। यस सर, इस रेशियो से पता चल जाता है हमारा कि व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, भले एक दोनों वॉल्यूम अगर बराबर हो गए तो जेड वन हो गया। yes, sir. अगर ये ज्यादा बढ़ गया इससे तो जेड वन हो गया, ये कम हो गया तो ये जेड मतलब वन से कम हो जाएगा। ये बात सुनिए आपको। yes, sir. तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पता चल जाता है कि दोनों के बीच में कितना गैप रह गया, मतलब आइडियल और रियल में कितना फर्क रह गया। इतनी बस समझ आई? हाँ सर, तो सर जब वन से बड़ा होगा तो क्या क्या इंक्रीज होगा एक बार बता दो। मैं लिख वन से बड़ा होगा, देखो एक बार, इफ इफ जेड इज ग्रेटर देन वन पॉजिटिवेशन,
दैट मीन्स द गैस इज लेस कंप्रेसिबल. सर मोर नहीं हुआ, लेस कंप्रेसिबल एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. सर ये कैसे सर, मैं समझा नहीं सर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा हुआ तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा नहीं हुई. नहीं नहीं, ये वन से ज्यादा हुआ. वन ये हम जाते हैं जेड इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी. अगर जेड वन से ज्यादा है इसके मतलब वॉल्यूम ज्यादा है. यस सर. वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब कम कंप्रेसिबल है ये. अच्छा तो सर ये फैक्टर जो है ये इनवर्स है उसका. हाँ, इफ जेड इज लेस देन वन इसे बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन. नेगेटिव डिविएशन का मतलब ये कम हो गया तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल. यस सर. और ये टेम्परेचर हाई होता है. अब ऐसे देख लो ना, ये देख लो ना जेट अगर ग्रेटर देन वन हुआ क्या मतलब क्या हुआ. हाँ सर रियल बड़ा वॉल्यूम इज मोर देन द आइडियल बिहेवियर. यस सर. और लेस देन वन में आ गया वॉल्यूम इज लेस तो कंप्रेसिव उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ज्यादा है वो पता चल जा रहा है खाली. ठीक है. और सर टेम्परेचर ज्यादा होगा इसमें पॉजिटिव जब होगा. पॉजिटिव टेम्परेचर मैंने बोला एक टेम्परेचर ऐसा आना चाहिए कि जब उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाए कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो जाए. नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ सर. मैं कह रहा हूँ जेड जब पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर हाई होता है ना थोड़ा बॉयल पॉइंट से. हाँ वो नेचर और गैस पे डिपेंड करता है. हर गैस पे अलग अलग है. मतलब ज्यादा मतलब क्या ज्यादा किससे ज्यादा किससे कम वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है. किसी लिए बॉयल पॉइंट क्या है किसी लिए बॉयल पॉइंट क्या है. बट उससे ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव होगा ना. बॉयल किससे ज्यादा बॉयल पॉइंट कोई भी हर किसी भी गैस बॉयल पॉइंट पर आकर गैस बिहेव्स आइडियली. बॉयल पॉइंट पर गैस बिहेव आइडियली प्रेशर कुछ भी हो. ओके सर. ठीक है. ये तो समझ आई आपको. हाँ सर. बस ये एक कॉन्सेप्ट है अलग से ज्यादा खास डिटेल भी नहीं इसकी न खास उससे ज्यादा जरूरत है. ए चीज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इसकी हम डिटेल ही डिस्कस कर रहे हैं. एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे खाली जो काम का हमारे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं. किसी गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं. टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर. टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज. यस सर. ये बस में आपको. हाँ सर. यस सर. लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आता है अगर गैस वो टेम्परेचर टाप गई तो गैस को कितना भी प्रेशर लगा लो आप लिक्विफाई नहीं कर सकते. मतलब सर. मतलब जैसे CO2 उसके लिए टेम्परेचर 31 डिग्री. अगर गैस 32 पर आ गई CO2 को तो कितना भी प्रेशर लगा लो उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे. सर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो वो तो हीट ही होगी ना. वो आप जितना मर्जी जोर लगा लो फिर लिक्विफाई नहीं कर पाओगे उसको. मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर या बिलो दिस यू कैन लिक्विफाई. ये नेचर ऑफ गैस है. इसका बढ़ते ही फिर लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा. इसको कहते क्या सर ये पॉइंट को. क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल
टेम्परेचर, तो लिख लो द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, वट एवर मे बी द अप्लाइड प्रेशर। सर हम ठंडा कैसे करते हैं, इस चीज को यूज करके ठंडा करते हैं गैसेस को? क्या चीज? गैस को सर ठंडा कैसे करते हैं? नहीं वो डिपेंड करता है कौन सी गैस है, क्या माहौल है, कैसे करना है, रेफ्रिजरेशन करते हैं, एटमोस्फेयर टेम्परेचर गिराते हैं, आइस कार्बन डाइऑक्साइड के एटमोस्फेयर बना लेते हैं, हीट से कंटेंट खत्म कर देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे किसी गैस की कवर लगा ली उसके ऊपर, उसके कारण ठंडा हो जाता है, तो बहुत सारे तरीके ठंडे करने के। सर CO2 का 31 ही होता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउट विच ए गैस कैन नॉट लिक्विफाइड बट एवर विद द बेड प्रेशर, ये 31 डिग्री के बाद ये लिक्विफिकेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, यस सर। जैसे कि दो गैस हैं ए और बी, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री, बी का है 45 डिग्री, किसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा? सर 45 का। इसका ज्यादा होगा क्योंकि 25 पर इसका लिक्विफिकेशन बंद हो गया, इसे चलता रहेगा सर। लेकिन इससे क्या होता है सर, ये तो हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लें और फिर कर रहे हैं, तो लिक्विफिकेशन का क्या है मतलब? मैंने ये कहा ज्यादा ना, इजी है ना करने के लिए, मतलब यही पूछ रहे ना सर आप, इजी कौन सी ज्यादा है? इजीली लिक्विफिकेशन ज्यादा किसका होगा? हाँ इजीली सर बी का होगा। लिक्विफिकेशन किसका ज्यादा होगा ये मैं पूछ रहा हूं। अगर दो गैस हैं तो इसका लिक्विफिकेशन अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा जैसे, तो 26 डिग्री से लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा, इसका चलता रहेगा अप टू 45 डिग्री तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? आउट ऑफ ए मैन ए एंड बी विच गैस इज हैविंग मोर, सर बी के पास होगी हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के पास, बी के पास। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन, उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बस सुनिए आपको, यस सर। अब एक्सरसाइज करोगे, लास्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट सर लिख लूं सर, एक मिनट। हाँ सर कौन सा एक्सरसाइज का? ऐसे लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट हाँ सर, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स परमिट, वो तो हो गया, उसकी प्रॉब्लम देखो। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 एंड मीथेन आर 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 81.9 डिग्री सेल्सियस, व्हिच ऑफ देम हैज अ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स? सर कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ सुन में आ गया आपको? सर ये 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये प्रेजेंट करता है वॉल्यूम, वो पैरामीटर ऑफ वो वॉल्यूम एंड प्रेशर वाला। हाँ प्रेशर करेक्शन में वो पैरामीटर ऑफ प्रेशर था। हाँ अच्छा
A represent the attractive force of attraction between the molecules, where B represent the co-volume or the volume which is not measured. सर ये ए वाला फिर से समझा दो, बी तो समझ गया था मैं. ए ए रिप्रेजेंट द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. गैस टू गैस डिपेंड करता ना. हाँ, गैस टू गैस डिपेंड करता है. ठीक है सर. ठीक है. यस राधु, क्रिटिकल टेम्परेचर समझ आ गया आपको? हाँ सर आ गया. क्रिटिकल तो गैस वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. अभी छोटी सी लिक्विड स्टेट एक और है, वो भी और थोड़ा सा देख लो. ये सही है. हेलो हाँ, लिक्विड स्टेट, इसमें दो छोटी छोटी चीजें करनी खाली हमको. ज्यादा उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला भी नहीं उसका, ना ज्यादा उसमें करने की जरूरत है. कोई क्वेश्चन भी नहीं है बुक में उसका, आप इतना समझ लो खाली. लिक्विड जो होते हैं इसके वेपर बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? वेपर. वेपर ये चीजें, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर बन जाती है. द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड on the walls of the container or on the surface of liquid. It's called the vapor pressure. At equilibrium. At equilibrium, the pressure exerted by the vapors of the liquid on the walls of the container or on the surface of the liquid at equilibrium is called as vapor pressure. फिर इसका मतलब? अब जो वेपर बनेंगे वो इतने गैस है, जो एग्जिट प्रेशर ओवर हियर उस प्रेशर को बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर. सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? आपने कभी वेट किया, अपने आपको तोला है? यस सर. जो मशीन होती है ये वेइंग मशीन होती है, और यहां हम लोग खड़े हो जाते हैं, यहां आप खड़े हो गए मशीन पर, और मशीन में यहां मीटर लगा होता है, रीडिंग आती रहती है. आपका वजन है सपोज 60 kg, तो मशीन खड़े होती दिखाएगी 80, फिर आ जाएगा 54, फिर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा 58, फिर ये कम हो गया 60, और ये भी जाएगा 60. उसके बाद ये चक्कर घूमना बंद हो जाता है, 60 पे आके रुक गया. yes, कुछ चेंज नहीं होता. देखा कभी आपने? हाँ सर, ये वैसे भी सर वो सब्जी वाले जो करते हैं जैसे, हाँ जो उनकी मशीन होती है
विग मशीन जिसे डिजिटल होती नंबर आते हैं इसमें, वो डालता नंबर आता रहता कुछ ना कुछ। हाँ सर, और वो फिजिकल वाली भी जो विंग्स के वो भी डिजिटल होती है, जब रुक गया नंबर, जब नंबर रुक गया वो आगे चेंज नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम जैसे वाटर का अगर एग्जांपल ले तो क्या होगा? जैसे इसमें क्या हो रहा है, आप जमीन पर प्रेशर लगा रहे हो, जमीन आपको पर धकेल रही है। यस सर। तो जब ये कभी आपने प्रेशर लगाया उससे ज्यादा लगाया, जब ये इक्विलिब्रियम आया, दोनों बराबर हो गए, तब आपका एक्जेक्यूएट सिस्टम आया। इसमें क्या होगा, वेपर बन गए बहुत सारे तो प्रेशर बढ़ गया अचानक, फिर बहुत सारे वापस चले गए, प्रेशर कम हो गया। एक टाइम आया कि जितना प्रेशर जितनी ये बने उतना ये वापस गए, तो रुक जाएगा प्रेशर, उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम आ गया, अब कम ज्यादा नहीं होगा। ये रुकना उकना वाला समझा नहीं पार्ट। आप ऐसे समझ लो, जब भी कोई चीज मेजर करते हो आप, आपने कभी इवन अगर किसी का टेम्परेचर भी नापते हैं थर्मोमीटर मूव डालकर, तो चेंज होता रहता है। जहां कहीं नंबर रुक जाता है उसी को हम लेते हैं कि ये टेम्परेचर इतना होगा। हाँ सर। इसी तरीके से अगर कोई पैराशूट है, ऊपर से कूदा हवाई जहाज से, वो गिरता चला जाता पहले तो, यस सर, फिर पैराशूट खुल जाता है तो ऊपर उठता चला जाता है, यस सर, फिर एक टाइम के बाद वो बैलेंस हो जाता है, ना फ्रूटता ना सीधा सीधे चलता रहता है वो, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब जितना ऊपर से प्रेशर लगा उतना नीचे से प्रेशर लगाया उसने, वो दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो जो बैलेंस फोर्स होता है एक तरह, बैलेंस फोर्स। इसी तरीके से जब हमारे जैसे ही ये लिक्विड इसमें डाला तो बहुत सारे वेपर बन गए, तो बहुत प्रेशर बढ़ गया, फिर अचानक वेपर कंडेंस हो गए तो प्रेशर कम हो गया। वेपर बन रहे प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर कम हो रहे प्रेशर गिर रहा है, एक टाइम के बाद प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाता है, ना बढ़ता ना घटता, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर। सर तो ये वेपर बनना एक टेम्परेचर भी तो शुरू होता है ना, टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर भी होता है, जैसे कि आप बॉइलिंग पॉइंट नापते हो ना, सर, तो बॉइलिंग पॉइंट थर्मोमीटर डाल दो उसके अंदर, इसमें थर्मोमीटर डाल दो, ये मर्की बढ़ता जाएगा, जब 100 टच कर जाएगा तो रुक जाएगा, ये कितना भी हीट करते रहो आप 100 को टापेगा नहीं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर है। हाँ इक्विलिब्रियम प्रेशर है। अच्छा, और सर ना बढ़ रहा ना घट रहा। और सर जैसे हम वाटर का एग्जांपल लें तो इक्विलिब्रियम प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे ही प्रेशर होता है। ओहो, किसी भी टेम्परेचर हो जाता, मैंने कहा कि ये अच्छा, प्रेशर होता है, कोई तो प्रेशर हर बार आएगा ना। ठीक है सर। आप किसी भी टेम्परेचर खड़े हो जाओ, कुछ तो वेट आएगा मशीन में। हाँ सर, खड़े होते ही वेट नहीं आएगा, जो खड़े होते जो वेट आएगा वो चेंज हो जाएगा, जो चेंज होना बंद हो गया उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन सर हर समय वेपर थोड़ी होती होगी लिक्विड में। हाँ सर, लिक्विड में वेपर हाँ हर टेम्परेचर पे थोड़ी होती है सर। हाँ तो अलग, लेकिन प्रेशर इक्विलिब्रियम बन जाता है 2 मिनट के बाद ही, हो या ना हो वेपर। हाँ नहीं, वेपर तो होते ही है हर वक्त, मतलब सर अभी भी हम वाटर देखते हैं उसमें है वेपर। ओहो, आप ठंडा पानी ले लो फ्रिज का निकाल के गिलास में, ठीक है, यस सर, उसके ऊपर अपना हाथ रख दो, आप मुंह के ऊपर पानी अंदर है और हाथ मुंह पे रखो गिलास के, थोड़ी देर में आपका हाथ गीला हो जाएगा। हाँ सर, ठंडा भी होता है तो क्यों हो जाएगा आपका हाथ गीला, पानी में तो आपने हाथ डाला नहीं। अच्छा सर, इवेपोरेशन वगैरह से भी। हाँ, उसी तो वेपर बनते हैं, इवेपोरेशन से। ठीक है सर, समझ आई नहीं बात? यस सर। तो प्रेशर हर वक्त होता है, ये बात समझ आई आपको? यस सर। वेपर प्रेशर क्या होता है, क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर
प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर एट इक्विलिब्रियम और एट सरफेस ऑफ लिक्विड. एट इक्विलिब्रियम याद रखना, वो बच्चे गलती कर देते हैं. और सर सरफेस ऑफ लिक्विड पे कैसे मतलब? अरे ये जैसे ये सरफेस ऑफ लिक्विड है और ये प्रेशर यहां पर आ गए. कंटेनर बहुत बड़ा है, पानी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो ज्यादा प्रेशर तो यही लगेगा ना इसके ऊपर. इसको भी वेपर प्रेशर बोलते हैं. अच्छा ठीक ये है. सर्विस लिक्विड पर और कहाँ लगाएंगे वेपर निकल के प्रेशर? या तो यहां लगाएंगे या यहां लगाएंगे. ठीक है सर. इक्विब जो लगाएंगे उसे बोलेंगे लोग वेपर प्रेशर. उसकी डेफिनेशन क्या लिखी इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चिंता मत करो. अच्छा अभी ऐसी जोड़ जो लास्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम ही है. अच्छा ठीक है. मतलब ऐसे सुन लो, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यस सर. उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. जैसे मैंने कहा, जब हमने अर्थ को दबाया नीचे तो अर्थ का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गया. बेटर पढ़ रहे हो ना? नहीं पढ़ रहे हो? यस सर. फिजिक्स पढ़ते हो? हाँ सर वो मालूम है सर, थर्ड लॉ की उधर से. तो वो उसको जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम. हाँ ठीक है सर. मतलब इक्विलिब्रियम तो बैलेंस फोर्स हो गया अगर जैसे. हाँ नेचुरली. हाँ सर. मतलब जब नीचे होते तो प्रेशर उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आता है. अगर ये बढ़ गया तो आप ऊपर उछल जाओगे, ये बढ़ गया तो आप नीचे गिर जाओगे. यस सर. मालूम है ना आपको? हाँ सर. आपका वेट उसी तय होता है. यस सर. ये फोर्स है जो वेट होता है आपका. हाँ सर जो वेट है. यस सर. वो फोर्स है, वो फोर्स हाँ जब नीचे जा रहे हो वही फोर्स आपको मशीन नाप लेती है. कितने फोर्स आपने दबाया, सर. जितने फोर्स में दबाया मशीन उतनी फोर्स के ऊपर आप उछालती है वो रीडिंग आ जाती है. यस सर. ठीक है. फिजिक्स कहाँ से पढ़ते हो आप? तो फिजिक्स भी यहीं से पढ़ता हूँ. अभी वहां पे पहुंचे नहीं है. अभी तो वेल यूनिट एंड मेजरमेंट ही चल रहा है. दो परसेंट चल रहा है. हाँ सर. कौन पढ़ा रहे फिजिक्स? सर वो नाम नहीं पता सर मुझे उनका, बट वो पढ़ा रहे हैं वो. आजम सर? नहीं सर. आज आजम आजम सर नहीं पढ़ा रहे? नहीं सर आजम सर नहीं पढ़ाते मुझे. अच्छा आजम सर पढ़ाएंगे. मतलब मैंने तो उनसे पढ़ा नहीं और बाकी जो लोग पढ़ते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं. मतलब जिन लोगों को मैंने सुना है उनका, तो काफी लोग उनके फैन है, उनके पढ़ाने की फिजिक्स की. यस सर. खैर एनीवे, ये बात सुनिए आपको. यस सर. एक होता है चीप बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है सर जब स्टेट चेंज होने लगता है. सर लिक्विड से वेपर बनने लगता है जब स्टेट चेंज वो तो होता हर है. वक्त होता रहता है. मैंने कहा ना ठंडे पानी में भी होते वेपर बनते हैं. तो जब बल्क में होने लगता है मतलब पूरे तो में बल्क किसको कहोगे आप? किसी को बल्क बोलोगे? सर सारा वॉल्यूम जब हो जाए. सारा वो हो गया, सारा बचेगा क्या? मतलब आपकी मम्मी ने कहा चाय बना के ला, ऋषि बेटा चाय बना के ला. आप गए, आपके हिसाब से सारे लिक्विड का सारा वेपर बना दिए और वेपर उड़ गए सारे. आप क्या बोले, मम्मी मैंने तो पानी गर्म करा था, वो तो वेपर उड़ गए सारे बॉयल होते ही. उन्होंने पानी बॉयल करते मैंने बॉयल करा था, वो सारे वेपर सारे उड़ गए, कुछ नहीं बचा. कैसे थोड़ी होता है? यस सर. तो क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट? Yeah.
सर जब पूरे लिक्विड में मतलब कोई भी वेपर बन सकता है मतलब सर जब जिस पॉइंट पे बॉइलिंग अकर होने लगती है वो बोलिंग होने लगती, मतलब क्या होता है उसमें? बॉइलिंग में सर पूरे लिक्विड में वेपराइजेशन शुरू होने लगता है। वो तो मैं कह रहा हूँ, अगर पूरे लिक्विड में वेपराइजेशन हो गया तो सारे वेपर ही बन गए, तो बचा क्या तुम्हारे पास? हाँ सर तो वो पॉइंट पे वो शुरू हो जाता है वो ना सर, अब फिर हम रोक लेते हैं ना उसको सर। हाँ बोलिंग रोक लेते हो? सर उड़ने नहीं देता है उसको पूरा। हाँ कभी कह रहा है अपने रोकने ने, अभी तो खुला टेम्परेचर लग देते हो, उबालते रहते हो, बोलते रहता है, कभी ने रोका है क्या बोलने से? नहीं सर बंद कर देते हैं गैस। नहीं, कोई नहीं करता। सर तो बीच का जो स्टेट होता होगा सर बिटवीन लिक्विड एंड गैस उसको कहते होंगे। सर जिसमें दोनों में एग्जिस्ट करता हूँ मतलब लिक्विड भी गैस में वो बॉइलिंग पॉइंट हो। सर आप बताओ। ये देखो, हाँ, सर इसका मतलब क्या हुआ मतलब लेमन लैंग्वेज में। ले मेरे को ऐसे समझो आप। ये लिक्विड यस सर। अगर इसके ऊपर एक अपने प्लेट ढकी हुई है, प्रेशर यहां जाता है और टकरा के वापिस आ जाता है, वेपर्स को पार नहीं कर पाएगा ना, यस सर। तो वेपर यहां जाएगा, टकरा के वापिस आ जाएगा। यस सर। अगर मान लो ये प्रेशर लगा रखा आपने, इसका मतलब तो इतना प्रेशर पर ये वापिस आ जाएगा लिक्विड, तो ये इक्विलिब्रियम पर आ गया, मतलब प्रेशर और कंडेंसेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। अगर मान के चलो आपने कुछ नहीं ढका हुआ, ये ओपन है, तो उसके ऊपर क्या है? हाँ एटमॉस्फेयर है, यस सर। अभी एटमॉस्फेयर टकरा के वापिस आ रहा है। अभी कितने प्रेशर लग रहा है? कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। अगर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाएगा इसका प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर पार कर जाएगा, हाँ सर उड़ जाएगा तो वो होता नहीं, तो प्रेशर से टकरा के वापिस आ जाता है ये सर। लेकिन एटमॉस्फेयर। हम अगर सर हम छोड़ देते हैं पानी को उबलता हुआ टाइम तक तो सर अभी पहले वो इस पर ध्यान दो, आप आगे का मत सोचो। मैं पहले समझा रहा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि जब एटमॉस्फेयर टच हो गया तो वापिस आ जाएगा ये, जैसे प्लेट से टकराया तो वापिस आ गया, कंडेंसेशन हो जाए वहीं पर। कंडेंसेशन शुरू हो गई, तो जितना वेपोरेशन हो रहा है उतना कंडेंसेशन हो रहा है, जितना वेपोरेशन हो रहा है उतना कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए इसमें टेम्परेचर थर्मोमीटर डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं आपका। और सर बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का मैक्सिमम वो भी है टेम्परेचर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता, वो इक्विलिब्रियम आ गया ना 100 डिग्री पर, वाटर का केस में। हाँ अभी इक्विलिब्रियम आ गया कि ये एटमॉस्फेयर से पार नहीं जा रहा है, ये एटमॉस्फेयर को वापस भेज रहा है। जैसे ये प्लेट है ना ढकी हुई, प्लेट तो जाएगा वापस आ जाएगा लौट के,
इसको उखाड़ थोड़ी जाता प्लेट को पार कर थोड़ी जाता पानी बाहर। हाँ सर ऐसे एटमोसफेयर पार करके नहीं जा रहा, एटमोसफेयर टकराएगा लौट के आ रहा है। तो सर ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते वेपर प्रेशर को एटमोसफेयर प्रेशर के बराबर कर दिया तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। सर अगर हम इवेपोरेशन इतना ज्यादा बढ़ा दें कि ये वेपर कैसे बढ़ा दोगे, वेपरेशन बढ़ाओगे इतना कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। सर इवेपोरेशन हम रेट ऑफ विंड से बढ़ा दें या उससे बढ़ा दें, वो चीज अलग है, वो हम उस पर आ रहे हैं अभी। इतनी बार समझ आई कि नहीं आई आपको? हाँ सर इतनी आ गई। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया आपको? हाँ सर। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? When the vapor vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. When is the temperature? Temperature at which? Boiling point temperature hai. At which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Yes. Yes. Sir. When the vapor pressure of a liquid becomes equal to the एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो उसको बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग हैड बी स्टार्टेड। क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। अच्छा अभी दूसरी बात बता जो आप कह रहे थे उसमें हम लोग आते हैं। ये दो तरीके का होता है, तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एक, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्रेशर दे रहे हो 1 bar एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, अगर ले रहे हो 1 atm तो बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सर दोनों में माइनर डिफरेंस होता है ना? हाँ बहुत मामूली सा, ये होता है 1 atm 1.013 bar। हाँ इतना फर्क है, बस ये फर्क है यूनिट का और कुछ नहीं। सर और ये ये जो वो होता है बार और ये, इनमें से कौन सा ऐसा ही होता है? दोनों ऐसा ही आते, दोनों ऐसा ही है ना, लेकिन बार को आजकल ज्यादा यूज करते इंटरनेशनली। ठीक है सर। ठीक है ये बस समझ आया आपको? यस सर। अभी दूसरी बात ये है, हम प्रेशर को बढ़ाएंगे कैसे, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे कैसे, इसको बढ़ाएंगे हाउ टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। सर ये इंप्योरिटी में ला दें अगर? दो चीजें हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे बढ़ाएं और क्यों बढ़ाएं, मतलब ऐसी हमारे क्या जरूरत है जो बढ़ाएं बॉइलिंग पॉइंट को, होने दो जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने की जरूरत कहाँ पर आती है? वो अगर हमें कोई चीज हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड चाहिए एज इन लिक्विड फॉर्म, नहीं लिक्विड तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड का ही होता है ना। हाँ यस सर। तो फिर हम बढ़ाते क्या बॉइलिंग पॉइंट को? मतलब सर गैस स्टेट में चेंज ना हो जल्दी। फिर भी बात बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाए क्यों, ये सवाल है। ऐसे क्या हमारा को जरूरत पड़ती है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है, इस वजह समझ लेते हैं। जो हिल्स पर जाते हैं, हिल्स पे गए हो कभी? हाँ सर। कहाँ गए हो? नैनीताल गया हूँ। बस? हाँ सर। और कहीं नहीं गए? सर एक बार गया था बहुत छोटा था, लेकिन तब शिमला गया। हाँ शिमला गया था सर। शिमला गया। जो शिमला है वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। कम होगा, जैसे अगर यहां पर 1 atm है सपोज, तो वहां पर होगा कितना, मान लो चलो 0.19 होगा, मोटे मोटी मान लेते हैं। हाँ सर है ना। यस सर। इतना होगा, उससे कम होगा 1 atm से? Yes, इतने एटीएम होगा वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये और भी कम हो सकता है।
हाँ सर, अगर यहाँ पर 100 डिग्री पे कोई चीज उबल रही है, बोलिंग पॉइंट, मतलब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री जा सकते हो, तो यहाँ पर सपोज 90 डिग्री आएगा, हाँ सर, तो 198 डिग्री आने के बाद टेम्परेचर टापेगा नहीं, थर्मोमीटर डालोगे 90 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, हाँ सर, पानी बॉयल हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा उसका, 98, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा दिल्ली में, 100, हंड्रेड डिग्री। हाँ सर, अगर आपको बनाने राजमा, राजमा तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए गलाने के लिए, हाँ सर, यहां पे तो गल जाएंगे, यहां पर आप सुबह शाम तक रहे टेम्परेचर तो मिला ही नहीं उसको उतना, ये गलेंगे ही नहीं, यस सर, खाना बनेगा नहीं इनका, तो कैसे करेंगे बेचारे, मर जाएंगे तो। तब क्या जरूरत पड़ती है इनके लिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, 98 से भी 100 हो जाए, यस सर, ये भी चाहेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ बढ़ जाए, इनका भी हाँ 100 हो सर, जाए, हाँ ताकि सर, इनके भी खाना बन जाए, यस सर, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और ये कैसे बढ़ाते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट, ये बढ़ाते हैं बाय यूजिंग प्रेशर कुकर। अगर मान के चलो अभी तुम्हारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 1 एटम दे रहे ना हम लोग, हाँ सर, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा दिया हमने और प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी ईंटें रख दी, तो सर ज्यादा उसको चाहिए होगा फिर ज्यादा हमको प्रेशर चाहिए टेम्परेचर। हाँ है सर, ना, तो उस प्रेशर तो पहुंचने ज्यादा वेपर होना चाहिए, तो हाँ बॉइलिंग सर, पॉइंट इतना बढ़ जाएगा। आपने देखा कभी ये जो हलवाई खाना बनाते हैं हाँ सर, क्या करते हैं, अगर छोले जब उबालते हैं देखा, जहां से दाल मखनी बनाते हैं, भिगोना होता है, हाँ सर, लीड लगा दी, उसके ऊपर इंडे रख देते हैं, वो जब ढक्कन के भिगोना ऊपर होता है, भिगोते समय, अच्छा हाँ भिगोते समय नहीं उबालते समय हाँ, यस सर, ईंटे लगा देते हैं, हाँ सर, या क्या करते हैं, अगर आप, मैंने यहां देखा था ये अमृतसर में छोले बनाते हैं, तो यहां पर एक बोरी भर देते हैं, बोरा बोरी थी, बोरी हाँ सर, हाँ सर, जूट की, हाँ सर, देखिए उसके कस के बांध देते हैं, ऊपर से प्रेशर लगा देते हैं जिससे वो अच्छे गल जाते हैं, जो प्रेशर बढ़ा दिया आपने तो सर, बॉलिंग पॉइंट बढ़ गया। यस सर, तो क्वेश्चन ये पूछे थे व्हाई द प्रेशर कुकर इज ए मस्ट फॉर द पीपल रिसाइडिंग ऑन हिल्स। सर ये बस प्रेशर बढ़ा के हम बढ़ा सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हाँ सर, लेकिन मतलब सर हम जैसे वो करते हैं आइस वगैरह जैसे होती है हमारे पास, तो सर जब वो पिघल रही होती है हम उस पर सॉल्ट डाल देते हैं तो जल्दी नहीं पिघलती। हाँ वो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो सर इसमें नहीं होता कि इम्प्योरिटीज मिला दे तो, ब्लीचिंग और बॉइलिंग में फर्क है ना, वैसे तो इसमें इम्प्योरिटी भी मिला प्योर सकते हैं, क्या सर, इम्प्योरिटी भी मिला सकते हैं, हाँ इम्प्योरिटी से भी हो जाएगा ना सर, उससे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हाँ सर वही पूछ रहे हैं, उससे भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सर जैसे हम चाशनी बनाते हैं उसमें ज्यादा हीट चाहिए होती है। जैसे कि आप ऐसे समझो ये कोई लिक्विड है, ये उसके वेपर प्रेशर है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब ये इसको टच कर जाएगा तो कहते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। यस सर, अगर मैंने इस पर नमक डाल दिया, नमक डालने से
वेपर बनने कम हो जाते हैं। सर क्यों? क्योंकि वेपर तो सरफेस से बनते हैं, नमक सरफेस से बैठ गया। अच्छा, सरफेस कम रह गई तो वेपर कम बनेगी। यस सर। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो गया, नंबर डाल के वेपर प्रेशर ये रह गया। ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, अब ज्यादा टेम्परेचर यहां तक पहुंचने के लिए तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यस सर। आपकी मुझे छोले बनाती है, बनते देखे छोले आपने? हाँ सर देखे हैं। ये छोले बनाते कैसे बनाते हैं? छोले लेते हैं पूरी कुकर में। हाँ सर, उसको बंद करके एक दो सीटी नहीं पानी डालते हैं, और क्या डालते हैं सर? नमक और मसाला वगैरह। नमक जरूर डालते हैं? हाँ सर। नमक डालते हैं, सोडा डालते हैं? यस सर। पर नमक जरूर होता है। नमक क्यों डालते हैं सर? इसलिए कि ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो छोले अच्छे गल जाते हैं। यस सर। सर तो विदाउट प्रेशर कुकर तो बहुत टाइम लगेगा। नेचुरली पर प्रेशर तो उतना आना चाहिए ना। यस सर। ठीक है। यस सर। इसी तरह राजमा बनाए, साबुत उड़द बनाए, कोई भी ऐसी दाल बनाते हैं नमक जरूर डालते हैं उबालते हो टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर, सॉरी टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर सो दैट वी कैन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। ये बात समझ आई आपको? हाँ सर। तो सर अगर प्रेशर बहुत ही कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होगा। हाँ फिर होता ही नहीं, खाना बनता ही नहीं सर। तो अगर जैसे हम जो बड़े हिल से हिमालय पर्वत पे जाके तुम खाना बना लो, बनेगा नहीं तुम्हारे से। सर जैसे पानी अगर गर्म हो गया, गर्म पानी हाथ में पकड़ लो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उससे टेम्परेचर आएगा ही नहीं। सर अगर स्पेस में हम जाए फिर स्पेस में प्रेशर काफी कम होता है सर। हाँ तो टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है वहां पर तो। हाँ तो सर वहां पे नहीं सर, अगर हम स्पेस स्टेशन में भी जाए। अच्छा नहीं, स्टेशन स्पेस की बात अलग है, स्टेशन स्टेशन में प्रेशर मेंटेन रखते हैं वो, हाँ वरना सर। हमारे बंदे मर नहीं जाएंगे। नहीं सर, उसके बाहर कह रहा हूँ मैं, बाहर जस्ट आओगे? बाहर हाँ सर। और वहां पे हम हीट करें अगर उसको तो वो इमीडिएटली बॉयल हो जाएगा। वो तो हो जाएगा पर टेम्परेचर नहीं आएगा ना उसके अंदर। हाँ सर वो नहीं सर, वैसे पूछ रहा हूँ मैं हाँ वो कि हो बहुत ही जाएगा। कम टेम्परेचर पे हो जाएगा ना वो हाँ बहुत बॉयल। टेम्परेचर हो जाएगा हाँ ठीक है सर। तो वो बॉयल होता है, वो हाथ में पकड़ लो, कुछ आपको फील ही नहीं होगा। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है बता दूं। हाँ सर। तो इसी तरीके से कभी हॉस्पिटल जाना हुआ है? हाँ सर। हॉस्टल? हॉस्पिटल? हाँ सर हॉस्पिटल गया हूँ। यस सर। क्या करने गए हो अभी? सर नॉर्मल चेकअप के लिए बस। अच्छा कभी चोट वोट नहीं लगी? सर लगी थी एक बार, स्टिचेस वगैरह हुए थे किस लगा दी स्टिचेस? सर वुंड में। नहीं किसने लगाए थे? सर्जन ने। उसके बाद फॉलो किए जाते होंगे, पट्टी होती होगी, हाँ सर। वो कौन लगाता था? सर नर्स। नर्स लगाती थी ना। यस तो सर। नर्स जहां से पट्टी लगाती है, अगर तुमने देखा होगा बहुत बड़ा सा बर्तन होता है हाँ सर। और उसमें बहुत भारी वो होता है कवर, ऐसा एक स्टील का बहुत बड़ा बक्सा होता है जिसका बहुत भारी ये होता है, इतना बड़ा कुंडा लगा होता है उसके आगे, हाँ सर देखा है उसमें सर। वो रखते हैं? उसमें रखते हैं, उसमें हाँ सर। उठाते हैं, दो तीन मिलके उठाती है उसको। हाँ सर। या उसपे जैसे ट्रे, उसपे व्हील्स पे रखा होता है वो। बहुत भारी होता है ना जो, हाँ यस सर। वो इसलिए होता है जो हमारी बैंडेजेस हैं अंदर रखते हैं, तो बैंडेजेस जो हैं इनके ऊपर जम्स ना लग जाएं, क्योंकि डायरेक्ट वुंड पे रखना है उसको, यस सर। अगर इस पर जम्स होंगे तो डायरेक्ट आपकी वुंड पर आ जाएंगे, तो इनको किल करना चाहते हैं, इसके पर कोई भी जर्म ना बचे, तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री पर से भी ज्यादा चाहिए, तो उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं वेंट। ना? तो यस सर। उसके ये भारी ढक्कन होने के कारण तो बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा टेम्परेचर अंदर चला जाए तो 102 103 तक टेम्परेचर अंदर चला जाता है,
विदाउट एनी वो किसी चीज के, मतलब है? सर हम तो बाहर रखते हैं ना, उसमें ना पानी होता है ना ऐसे नहीं, कुछ। पानी होता है, ये बॉयल होती अच्छा पानी के अंदर बैंडेजेस होती हैं। है। हाँ, उसमें तो हम इतने टेम्पर चलाते हैं, बोले अच्छा। जल जाएगी, पागल हो क्या तुम? हाँ अगर तुम कपड़े की पट्टी को इतने टेम्परेचर से जल जाएगी वो, हाँ सर वही मैं सोच तो ये बॉयल्ड होती है, ये जो पट्टियां थी बॉयल्ड होती है ये सारी, तो रहा था। हाँ ठीक है सर। अपने देखा भी होगा जब दस निकलते हैं गीली गीली होती है, हाँ सर। तो इस टेम्परेचर लाते हैं ताकि कोई भी जम्स ना बचे उसके अंदर। इसी तरह से जो औजार भी होते हैं कि कैंची वैची वो सब इसमें रखते हैं, हाँ सर वो देख रहा सीजर फर्श से वगैरह सब इसमें रखते हैं ताकि बिल्कुल वो स्टेलाइज हो जाए। सर। ठीक है, यस सर। तो मैं आपको ये हाँ सर अभी निकालो जो है बोलिंग पॉइंट एक मिनट। एनसीईआरटी में, यस सर निकालिए। निकालिए निकल लिया। नीचे के पोर्शन बढ़ो सबसे आखिरी का, सर। ये 1 ATM प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसकी नीचे और जाओ। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नहीं, वो इज और चीज एट जाओ, और चीज जाओ जहां पर वेंट के बारे में लिखा होगा नस। क्या लिखा अब देखो ना, मेरे पास बुक नहीं है, मैं अभी सर? हायर निकाल रहा हूं। एटीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। ये देखो, अभी जाता हूँ। 99.6 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, अब इधर आ जाओ। हम्म, ये है नहीं ये बुक में, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। बुक में है ही नहीं ये। नहीं, ये चीज है नहीं जो मैं बताना चाह रहा था ना, अभी देखा बुक में है नहीं, पहले होता था तो क्या बता दूँ ऐसे कब वो, था? जो जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ये बुक में थे पहले। अच्छा जो हॉस्पिटल वाला हाँ सर है हाँ इसमें। ये है ना, एट हाई हाँ सर एल्टीट्यूड, ये पढ़ो। यस सर दिख गया। इन हॉस्पिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरलाइज्ड इन ऑटोक्लेव्स इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग अ वेट कवरिंग वेंट कवरिंग द वेंट ऊपर एट हाई एल्टीट्यूड, At high altitude, atmospheric pressure is low. Therefore, liquids at high altitude boil at lower temperature in comparison to that on vehicles. Since water boils at low temperature on hills, the pressure cooker is used for cooking food. हाँ। तो मैं बात आपको, ये Yes, sir. अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सरफेस टेंशन। Sir, इससे पहले इसमें लिखा है when density of liquid and vapor become the same. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उसे छोड़ दो, जरूरत नहीं है, मतलब क्या हुआ सर इसका? अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ छोड़ दो उसको फिलहाल, अभी बस ध्यान मत लगाओ, ठीक है। वरना वो कंफ्यूजन हो जाएगा बैठे बैठाए। ठीक यस सर। है, अभी करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जानते क्या होता है? क्या हाँ सर। सर होता है? जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर के उस पे जो
वो होता है साइड, उसपे जब वो प्रेशर लगाते हैं तो स्ट्रेच होकर ऐसे थिन मेम्ब्रेन सा बन जाता है उसको सर, जो फोर्स वो एग्जर्ट करते हैं उसके सर। सर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के जो उसके सरफेस पे, हाँ ये देखो, जैसे ये है ना, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ये इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, वैसे जादू अट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर है तो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो नेट नीचे तो खींचा हुआ रहा है, हाँ सर, हाँ वो नीचे तो खींच रहा है ना। सर, अगर आप कभी जाओगे पानी पर, कहीं पर देखोगे सड़क सड़क हाँ पर, आप सर, देखोगे पानी आपको ऐसा दिखाई देगा झुका हुआ, आपने कभी महसूस किया है यस सर, कि पानी से खींचा हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ आपको? मतलब हाँ सर, ऊपर जो लेयर है वो एकदम ऐसे वो है। आपको ऐसे ऐसे स्टेप दिखाई देगा पानी के, भी आपको थोड़ा झुकाव दिखाई देगा। सर ये नहीं देखा मैंने। सर अब देखना, जैसे कई ग्लास बार में बरसात में पानी पानी भर भर के जाता देख है, सकते हैं? ग्लास में पानी भर के देख सकते हैं? अब सुन लो ना बात को, जैसे बरसात में पानी भर जाता है तो सड़क पे देख रहे पानी आपको झुकाव दिखाई देगा, और भी कई जो पंचर वाले होते ना, वो पानी भरे रखते हैं बर्तन में बड़े में, हाँ सर, वो फिर टायर निकालते हैं इसके क्या बाद। करते दो आप उनका देखना, उनका पानी जो भरा हो आपको ऐसा दिखाई देगा, वो ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि हमने अभी नोटिस नहीं किया, मैं नोटिस करता हूँ ऐसे दिखाई देता है। अगर इसको कम करते जाओगे, अगर इसको कम कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हाँ सर, टेस्ट ट्यूब में पानी कैसे जाएगा आपको, ऐसे होता है। टेस्ट ट्यूब में कभी आपने देखा पानी कैसे आता वहां? नहीं सर, टेस्ट ट्यूब सर बहुत कम यूज किया, हुए नहीं कोरोना अच्छा, आपने के कभी टाइम में गई नहीं, अभी टेस्ट ट्यूब लेना टाइम। कोई से भी, तो हाँ यस सर, उसमें आपको पानी आपको ऐसे नजर आएगा सर हमेशा। ग्लास में देखा है, कांच के ग्लास में। हाँ अगर ग्लास इतना छोटा होगा, घर पे कोई छोटी चीज होगी ना जिसका अभी ये कम होगा, तो इतना ठीक क्लियर आपको नजर आएगा। ये है सर, आज देखूंगा। कोई नली होगी, जैसे 32 नली हो गई, 5 की, तो उसमें पानी भरोगे ऐसे नजर आएगा आपको। तो स्ट्रॉ में देख सकते हैं? स्ट्रो में अगर दिख जाए तो देख लेना, ऐसे नजर आएगा। हाँ ठीक है सर, देखूंगा। हाँ, स्ट्रो में दिखाई देगा, सही कह रहे हो आप, ठीक है। इसको यस बोलते सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन स्किन जो सरफेस है नीचे तो झुकी हुई नीचे होती है। और भी एग्जांपल दे उसके भी, अभी आपको समझ में आएगा। ये हटा दो उसको, सर, जैसे कि आप पानी को उसमें डालते हो, स्ट्रो को पानी में डालते हो, जैसे बोतल में स्ट्रो स्ट्रो डालते हो अपनी, हाँ सर, तो क्या होता है, अपने थोड़ा पानी उसमें चढ़ जाता है। हाँ सर, ये क्यों चढ़ जाता है उसके अंदर? सर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी जाता है। हाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता मान के चलिए, ये मैं बड़ा बना रहा हूँ, छोटा है ये, ये आपने स्ट्रो डाल दी, यस सर, यहां से ये नीचे खींच रहा है, तो ये नीचे खींच रहा है, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा पानी, जो ऊपर से नीचे खींचोगे तो पानी पड़ जाएगा ना, हाँ सर, इसी कारण पर ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आया? यस सर, इसी तरीके से ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई द मिनिमम वॉल्यूम
सर्विस की कोशिश की होती है वॉल्यूम कम से कम हो जाए. एंड फॉर अ गिवन सब्सटेंस द मिनिमम वैल्यू मिनिमम वॉल्यूम इज ऑफ अ स्फीयर. वॉल्यूम सबसे कम स्फीयर का होता है, वो एकदम बंद हो जाता है, स्फीयर का वॉल्यूम सबसे छोटा होता है. ठीक है. Yes, sir. जो बारिश आती है ऊपर से नीचे, तो कितने भी पानी क्यों ना गिरे, वो आएगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ही. हाँ सर. आप गिलास में भर के पानी ऊपर फेंको हवा में, हाँ सर, वो बॉल बन जाता है, वो ड्रॉपलेट बन के नीचे आता है. हाँ सर. क्योंकि बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. क्यों हो रहा है ये? सरफेस टेंशन, सो इट बिकम्स द ड्रॉपलेट. तो ये ऐसे वो भी रीजन है क्या, मतलब जैसे हम पानी की ड्रॉपलेट दो पास पास रखते हैं वो ऐसे जुड़ जाती है? हाँ सर, जैसे अगर हम दो छोटी पानी की ड्रॉपलेट रखते हैं तो सर वो जुड़ जाती हैं आपस में. हाँ, ये भी सर्फेस टेंशन ही होता है. हाँ सर. जैसे सर वो मर्कुरी के उसमें भी एक्सपेरिमेंट, जो कि ऐसा होता है ना, जो ये ऊपर की इसके जो मॉलिक्यूल्स, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर जैसे लिक्विड यहाँ पर है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर है, यहाँ है और यहाँ है. सर्विस के ऊपर की वैलेंसी तो अनफिल्ड रह गई. Yes, जो वैलेंसी था ना बोर्ड बनाने की कैपेसिटी यहाँ पर, वो तो फुलफिल हुई नहीं. Okay. इसलिए कोई भी चार्जेस जोड़ लेती है फटाफट अपने आप से. hmm. तो बोर्ड बन जाता है आराम से सर्विस का. Yes, सुनिए बात आपको ये. Yes, sir. इसी तरीके से जो ये गिलास होता है कांच का, इसको जो राउंड करते हैं, ऐसे जो राउंड करते हैं, जो ये नुकीला हो तो चुप जाएगा हाथों में. हाँ सर. जैसे आपके डाइनिंग टेबल पे रखा होगा, अगर रखा होगा आपने, तो वो गुलाई में होगा. हाँ सर, एजेस उसके गोल होते हैं. तो गोल कैसे करते हैं मालूम है? नहीं सर. ये क्या करते हैं, गिलास को हीट करते हैं. हाँ सर. फायर ही बोलते हैं इसको. हीट करने से पिघल जाएगा ये. हाँ सर. पिघलते जैसे पिघल जाएगा तो लिक्विड क्या करेगा, कोशिश स्फेरिकल होने की. हाँ सर. वॉल्यूम को तो स्फेरिकल हो जाता है लिक्विड ठंडा होते ही. अच्छा, दूसरे ऐसे शेप कर देते हैं वो. वो नहीं करते, अपने आप हो जाते ये. अच्छा, उस कोनों पे हीट कर देते होंगे. कोनों पे जब हीट करेंगे तो लिक्विड हो गया. हाँ सर, समझ तो लिक्विड की कोशिश क्या होती है, टू अक्वायर द स्फेरिकल शेप. यस सर. जिसमें ना पानी अपने आप ही स्फेरिकल बन जाता है. यस सर. तो जब ये स्फेरिकल बन जाएगा तो उसका ऐसा शेप आ जाती है. हाँ सर. समझा? यस सर. तो दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सर्विस टेंशन. जब देख लो एक बार सर्विस टेंशन भी. हाँ सर, खोल लिया सर. जैसे लिखा है, Why is it then small drops of mercury form spherical bead instead of spreading on the surface? Mercury डाल दो surface पर, ये थोड़े मोती जैसे बन जाएंगे गोल गोल. हाँ सर, देखा मैंने सर. गैलियम तो सर मैंने देखा लैब में ही, हमारे पास था तो मैम ने दिया था, तो गैलियम के से थ्रू दिखाया था. मर्करी टॉक्सिक होता है तो उन्होंने दिए. Why does the liquid rise or fall in the thin capillary? Thin capillary मतलब thin tube. Capillary में पतली ट्यूब होती है. Yes sir. All these phenomena are caused due to characteristics of the liquid surface tension. तो ये पढ़ लेना, बाकी तो मैं सब आपको बता दिया. Yes sir. ठीक है, और उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं. सर, ये विस्कोसिटी वाला बाद में पढ़ाओगे सर? नहीं, विस्कोसिटी बात करा रहा हूँ मैं, एक मिनट के अंदर. इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बाकी तो फिजिक्स से पढ़ लोगे. मैं एक दो बात बतानी है आपको. अच्छा, विस्कोसिटी की एक दो बात ही बतानी है. हाँ, फिर खत्म हो जाएगा ये. ठीक है. ठीक है, हटा दो उसको. हाँ सर. सर्विस टेंशन विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी तो जो अंदर फ्रिक्शन होता है, मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल.
इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस टू फ्लो, क्या होते हैं? जैसे आप एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास शहद ले लो, वाटर और हनी, दोनों जमीन में फेंक दो, ज्यादा स्पीड कौन सा होगा? वाटर, वाटर बेहतर चले जाएगा, ये इतना सही रह जाएगा। हाँ सर, इसे बना लेगा सर। देसी घी ले लो, वो और कम चलेगा। हाँ सर, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है फ्लो करने, उसमें कम है, उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। मतलब कौन सा लिक्विड ज्यादा विस्कस है, कम विस्कस है? यस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इतना ही करना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब फिजिक्स में पढ़ लोगे इसके बारे में, फॉर्मूला वगैरह अभी नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। यही था ये चैप्टर पूरा करना, ठीक है। तो चैप्टर हमारा हो चुका। जब स्कूल में पढ़ाएंगे फिर नेचुरल की जगह अलग ढंग से पढ़ाएंगे या कुछ चीज छूट गई होगी बताएंगे, हम लोग दोबारा से कर लेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर को जो आपके जैसे मूल कॉन्सेप्ट उसमें करा दिया। हाँ सर, तो उसमें कोई चीज जो छूट गई थी हमने नहीं कराया, उन्होंने कराया हो और आपको ना आई तो वैसे पूछ सकते हो भी आप। हाँ नहीं सर, सेम ही कराया, सेम नहीं करा सकते वो, जितना मैंने कराया उतना कभी नहीं करा सकते वो। नहीं सर, मतलब आपने ज्यादा प्रैक्टिस कराई, उन्होंने एक ही दिन में सारा खत्म करा दिया। हम जिस टॉपिक को पकड़ते हैं ना उसकी डिटेल में जाते हैं, जैसे मोलैरिटी है तो मोलैरिटी उन्होंने बहुत डिटेल में करा है। हाँ सर, उन्होंने बस 5-10 मिनट में मोलैरिटी मोलैरिटी और उससे बच्चों को आएगा नहीं जितना आपको आएगा, इसलिए हम लोग जो भी टॉपिक करेंगे वो डिटेल में करेंगे। गौर के हमारा छूट गया डिटेल करते हुए, या कई टॉपिक में छोड़ दिया ना पढ़ लेना, वो काम क्या नहीं होता, आप पढ़ लिया करो फिर भी नहीं आता पूछ लिया करो। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको स्कूल में कराया है? हाँ सर, करा दिया। आपको आ गया? हाँ सर, आ गया। आपको भी आ गया ना? हाँ सर, आ गया। तो उसको हमारा काम खत्म हो गया, जरूरत नहीं कराने की, इसलिए मैंने नहीं कराया। या तो स्कूल वाले कराएंगे या नहीं कराएंगे, कराएंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं कराएंगे तो करने की जरूरत नहीं स्कूल। यस सर, इसका कंपटीशन से कोई लेन देना नहीं होता, मेरा ध्यान उस पर है जो आपको जेई मेंस में काम आएगी, उसी हिसाब से मैं कम ज्यादा कराऊंगा चीजों को, जो ज्यादा है उस पर ज्यादा जोर दूंगा आपको। नहीं, आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चन करे? हाँ सर, मैंने एक दो करे थे। एक दो से काम नहीं चलेगा, 15-20 करो। हाँ सर, वो मैं खत्म कर लूंगा सर, स्कूल वगैरह का कर लो, डाउट पूछो, नहीं मिल रहे थे मुझे बताना, मैं यहाँ करा दूंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है।